शरीर को चुस्त दुरुस्त और मन को शांत रखने के लिए दुनिया भर में ज्यादातर लोग योग का सहारा ले रहे हैं। दुनिया भर में योग के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। आज मंगलवार के दिन दुनिया भर में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की पहल भारत की ओर से की गई थी। सबसे पहले 2014 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत की थी। पूरी दुनिया के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम मानवता के लिए योग यानी योगा फॉर ह्यूमैनिटी रखी गई है। इस योग दिवस की थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी भी कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए चुनी गई है, क्योंकि कोरोना महामारी ने न सिर्फ हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाया, बल्कि चिंता, अवसाद जैसी मनोवैज्ञानिक और मानसिक समस्याएं भी दी हैं, जो कि इस समय मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। वहीं योग का मूल सार सिर्फ शरीर को स्वस्थ रखना या फिर दिमाग व शरीर के बीच संतुलन बनाना ही नहीं, बल्कि दुनिया में मानवीय रिश्तों के बीच संतुलन बनाना भी है। इसलिए मानवता के लिए योग का सहारा लिया जाना चाहिए। नमस्कार, इस वक्त हम हैं उत्तर प्रदेश के राजभवन के प्रांगण में, जहां पर 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल जी उपस्थित हैं। जैसा कि इस बार का हमारा थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग, तो यहाँ पर आए हुए कुछ लोगों से हमने ये जानने की कोशिश की कि योग फॉर ह्यूमैनिटी क्या है। आइए उनसे बात करते हैं। आरती जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में योग का क्या महत्व है। योग एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसके लिए ना तो हमें कोई दवाई खानी है, ना कोई ऐसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने हैं कि जिसके लिए हमें रिसोर्सेज जुटाने पड़े या कुछ अवेलेबिलिटीज़ हों जो ना मिल पा रही हों। एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसमें आप सिर्फ अपने बॉडी को कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स कर रहे हैं, कुछ आसन परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हमारी बॉडी की सभी बीमारियों का, सभी रोगों का उपचार हो रहा है और हमारा जीवन स्वावलंबी बन रहा है। और इस वक्त हमारे साथ हैं हिना हिदायत खान जी। हिना जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमें अपने दैनिक जीवन में योग क्यों करना चाहिए, ये कितना ज़रूरी है, कितना आवश्यक है। सबसे पहले थैंक यू मुझे ये मौका देने के लिए। जैसा कि कोरोना काल आया तो हम सब ने ये चीज़ को जाना कि योग कितना इम्पॉर्टेंट है, और मतलब फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ कितना इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, कि अगर हम लोग योग करेंगे तो हम लोग कोरोना में कैसे अपने आप को जीवित रख सकते हैं, कैसे अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। तो अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हम लोगों को डेली बेसिस पे योगा करना चाहिए। जैसे कोरोना या और भी जिस तरह की महामारी आती हैं तो हम लोग हेल्दी रहें और इन बीमारियों से लड़ सकें। आप कितने साल से योग कर रहे हैं और इसका आपको क्या फ़ायदा मिला अब तक? मैडम, ये मैंने योग 5 साल से कर रहा हूँ और योग का फ़ायदा हमें शरीर के चित्त और मन और विकार और शरीर की चिंताओं से मुक्त करने का शारीरिक समय से मिल रहा है, जो मैं इसके बहुत लाभ है। और ये CRPF में हमारे 5 साल का कार्यकाल का अनुभव रहा है, बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिल रहा है। आज हम राजभवन में उपस्थित हुए हैं और अभी कुछ ही छोड़ों में हम इसमें मुख्य होंगे, जो भी क्रिया होगी हम आपके सामने करेंगे। नमस्कार, आज इंटरनेशनल योगा दिवस पे आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। आज हम सभी राजभवन के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सभी लोगों को साथ में, इतनी सारी संस्थाओं को साथ में योग करते हुए। इसका पूरा क्रेडिट हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को जाता है। योग को पूरे विश्व में मान्यता दे करके हम सभी के ऊपर एक विशेष कृपा करी है, क्योंकि जैसा हम जानते हैं योग हमारी एक दैनिक जीवन की नीड बन गई है। क्योंकि अभी जो हम 2 साल हमने इस पेंडेमिक में अपने निकाले हैं, ये एक जिसमें हमें पता चला है कि हम स्ट्रेस से किस तरीके से जूझते थे, लेकिन मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना कितना ज़रूरी है ये हमें पता चला। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि योग में की जो शुरुआत है वो इसी भारतवर्ष की पृथ्वी पर शुरुआत हुई है। सारे ऋषि मुनि, सभी संत इस पृथ्वी पर ही जन्म लिए हैं। आज इतने समय के गैप के बाद, एक लंबे समय के अंतराल के बाद, प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व में इस
हम लोग इस पूरे प्रांगण में इकट्ठा हुए हैं और एक साथ योग कर रहे हैं। कल्पना करिए उस समाज की, उस विश्व की, उस प्रदेश की, उस कस्बे की, उस समाज की, जहां सब लोग सारे धर्म जाति भेदभाव को मिटाकर ऐसा योग कर रहे हैं। या ना कोई गरीब है, ना कोई अमीर है, सब एक हैं। और यही संदेश हम देना चाहते हैं कि अगर वास्तव में अगर मेडिटेशन और ध्यान सब मिलकर करेंगे तो मानवता कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, हमारे दिलों में है मानवता, और ध्यान और योग से ही आती है। हार्टफुलनेस योगा हम लोग डेली करते हैं, और बहुत बहुत आभार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे योगी जी का कि उन्होंने ये अवसर हम लोग को दिया है, ये गौरव हम लोग को दिया है। जैसा कि हमारा थीम है मानवता के लिए योग, तो हम जब आंतरिक रूप से खुद से जुड़ाव महसूस करते हैं तो हम सभी लोगों से भी जुड़ाव महसूस करते हैं। और एक जो मानवता की बात यहाँ, जो हम चाहते हैं कि मानवता फैले, तो वो जब फैलेगी जब हमारे दिलों में प्रेम होगा। और जब हमारे दिलों में प्रेम होगा तो हम, जब हम खुद से प्रेम करेंगे तो हम सबसे प्रेम करेंगे, जो कि हमारी हार्टफुल संस्था की एक बहुत बेजोड़ चीज़ है कि हम प्रेम के साथ योग और ध्यान करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज हम 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं। मतलब विश्व पटल पे पूरे देश में लोग योग दिवस मना रहे हैं, और मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया को जोड़ दिया है। और जो लोग योग करेंगे वो निरोग रहेंगे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, मैं करीब 20-22 साल से योगा और प्राणायाम से जुड़ा हुआ हूँ। एक्चुअली मेरी पत्नी को एलर्जी की समस्या हुई थी, तो उन्होंने ये करना शुरू किया था और उनको इससे काफ़ी फ़ायदा मिला, और उनको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ी, शुरू में लेनी पड़ी, बाद में वो ठीक हो गई। तो उनसे देखते हुए मैंने भी शुरू किया और इससे मुझे बहुत लाभ है। योग हमारे देश की सैकड़ों हजारों साल की परंपरा है, और ये दुनिया के लिए हिंदुस्तान की एक सॉफ्ट पावर भी है। इसको पश्चिमी देशों ने योगा करके अपनाया और इसका लाभ लिया, हम यहाँ भूलते जा रहे थे। जब से ये यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मान्यता दी है, इससे दुनिया को ये हमारी परंपरा की एक मान्यता मिली है, और ये किसी धर्म जाति पंथ से ऊपर उठकर ये ऐसी विधा है जो पूरी मानवता को न केवल शारीरिक स्वास्थ्य की बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी स्थिति को बहुत अच्छी बनाए रख सकती है। जबकि मेंटल प्रॉब्लम, मेंटल हेल्थ की समस्याएं आज के समय में बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं। मेरी एज में जब सबसे ज़्यादा टेंशन होती है आदमी को, बिजनेस में, व्यापार में बहुत टेंशन होती है, तो अगर आप 15-20 मिनट आधा घंटा सुबह योगा कर लें तो सारी टेंशन ख़त्म हो जाएगी। और मन अच्छा है तो शरीर भी अच्छा है। तो योगा, मेडिटेशन, उसके बाद एक्सरसाइज, ये सारी चीज़ें जो हैं ओवरऑल हेल्थ के लिए, और पूरा दिन आपका बहुत बढ़िया निकलेगा और मन शांत रहेगा तो काम भी अच्छा होगा, देश की तरक्की भी होगी। तो सारे देशवासियों को, सारी पॉपुलेशन को योगा करनी चाहिए, और अगर इंडिया में योगा को बढ़ाया जाएगा तो उससे इंटेलिजेंस भी बढ़ेगी और आदमी का जो है ओवरऑल वर्किंग एफिशिएंसी डेवलप हो जाएगी। और ज़रूर योगा से होगा, योगा ज़रूर करें। नमस्ते, मैं साक्षी चौहान हूँ, और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में मुझे यहाँ आने का मौका मिला, और योगा से मैं 4 साल से जुड़ी हूँ। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि इंसान अपने खाने के लिए, अपने दिखने के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए बहुत कुछ करता है, लेकिन इंसान अपनी अंतरात्मा के लिए क्या करता है? अगर अपनी अंतरात्मा के लिए उसे कुछ भी करना है तो उसका आंसर योगा है। मैं स्वाति उपाध्याय हूँ, और मैं ये कहना चाहूँगी सबको कि योगा सबको करना चाहिए। योगा अपने मेंटल पीस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमें डेली सुबह मॉर्निंग में 5-7 टाइम निकाल के योगा ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज की लाइफ बहुत टेंशन से भरी हुई है, सबकी लाइफ में टेंशन है, और योगा करने से मन को शांति मिलती है। जी, मैं मनु भारद्वाज, योगा के बारे में मैंने बहुत सुना था। हम उम्र के जो लोग हैं उनके पास समय नहीं रहता है, जानते हम सब लोग हैं, बट समय के ना होने के कारण हमने कभी किया नहीं। मैंने फर्स्ट टाइम मैंने अभी योगा किया और मुझे इतना अच्छा लगा, अंदर से मेरी पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हुई, मेरा माइंड रिलैक्स हुआ, और मैं संकल्प लेता हूँ कि कल से ही मैं सुबह 1 घंटा योगा ज़रूर करूँगा। योगा फॉर मी, जैसे इस बार का भी थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, योगा फॉर मी सबके लिए अलग अलग फॉर्म में होगा। योगा फॉर मी इज़ समथिंग वेरी बिगर टू माई ह्यूमैनिटी, मेरे से काफ़ी बढ़ के है।
कभी भी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं, सबकी लाइफ में होते हैं। जब भी कभी कुछ होता है, अगर योगा का अभ्यास रेगुलर चल रहा है तो वो दिमाग की एक स्थिरता बनाए रखता है, एक बैलेंस बनाए रखता है और कोई भी दिक्कतों से काफ़ी दूर रखता है। मेरी रेगुलर एक्टिविटी रहती है सुबह 6 बजे 7 बजे जब भी मौका मिला, तो 1 से 1.25 घंटे का योगा मेरा डेली रहता है। एंड इसकी वजह से मेरी सारी एक्टिविटीज़ में एक बढ़ोतरी है। एंड हम सभी अपने सारे जितने भी मेरी एज के या हर एज के लोगों के लिए दिस इज़ बेनिफिशियल। आई सजेस्ट एवरीवन जो नहीं भी करते हैं, दे शुड ट्राई योगा फॉर वंस। योग का उद्देश्य ही है कि पूरी दुनिया में सभी स्वस्थ रहें, सभी खुशहाल रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोग रहें और नियमित रूप से योग करते रहें। इसी कामना के साथ आज हम इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। नमस्कार।